तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिशाल जोन गेमिंग। और बड़ी न्यूज़ आई है रात को शायद 1:30 बजे PS5 का शोकेस इवेंट हुआ है जिसमें PlayStation 5 की प्राइस रिवील हो चुकी है दो मॉडल्स है और बड़े बड़े गेम्स आए हैं। बड़े बड़े गेम्स के डेमो दिखाए गए हैं जिसमें से एक है माइल्स मोरालेस और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर। और देखते हैं, ज़रा हाइप रखिए। तो जैसा कि मैंने कहा, शोकेस इवेंट हो चुका है, कुछ गेम की लिस्ट आ चुकी है और गेम की लिस्ट देखने के लिए ये वीडियो देखिएगा। Magic, both beautiful and powerful, binds together our... Now it is... Get in! We can touch him! तो ये गेम्स तो आप देख चुके हो। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, PlayStation Plus के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि एक सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे ही हम PlayStation Plus लेते हैं, हमें हर महीने में दो गेम्स फ्री मिलते हैं और हम हर गेम के मल्टीप्लेयर भी एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत ऐसे कुछ PlayStation Plus के पर्क्स होते हैं, जैसे कि गेम्स, डिजिटल गेम्स लेते हो डिस्काउंट मिलते हैं। तो वही प्लस जैसी चीज़ PS5 में आने वाली है, जिसे PlayStation Plus कलेक्शन कहा गया है। इस कलेक्शन में कुछ चुनिंदा PlayStation के एक्सक्लूसिव्स है, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर आया है, ब्लडबॉर्न, फाइनल फैंटेसी 15 एंड सो ऑन, रैचेट एंड क्लैंक। सो ये गेम आप डायरेक्टली PS5 पे डाउनलोड कर सकते हैं बतौर आपके पास PlayStation Plus का कलेक्शन का सब्सक्रिप्शन हो। तो आप डायरेक्टली ये PS5 पर खेल पाएंगे ज़्यादा फ्रेम रेट में, मतलब 30+ FPS में आप खेल सकते हैं, या तो 60 FPS 4K अपस्केल करके भी। पर इसके प्राइजेस कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं, ऐसा PlayStation की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, पर इसका ये बेनिफिट है कि आप PS4 के कुछ एक्सक्लूसिव्स हैं वो एक्सेस कर पाएंगे PS5 पर। तो अभी तो ये तो आपको पता ही होगा कि आप यहाँ रुके हो इसलिए कि आपको फाइनल प्राइस समझ में आए, क्योंकि आप ये 6-7 महीने से इन्होंने चक्कर काट काट के परेशान कर दिया इन PS5 वालों ने, टीज कर करके कि प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि एक्सबॉक्स ने तो अपने प्राइस रिवील कर दिए हैं। सो ये तो मतलब इनके लिए वो इम्पोर्टेंट था कि वो आज प्राइस रिवील करे, तो फाइनली प्राइस रिवील हो चुका है, ये आया आपके सामने। तो पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि हम US डॉलर से कंपेयर करने वाले इंडियन रुपीज़ को, तो $1 इज टुडे इट इज़ इक्वल टू 73.78 रुपीज़, मतलब नियर अबाउट 74 रुपीज़। सो PS5 का जो नॉर्मल एडिशन है जिसमें डिस्क भी रन कर सकते हैं आप और डिजिटल गेम्स भी खेल सकते हैं, उसका प्राइस है 499.99, मतलब ऑलमोस्ट $500। तो उसका अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 36,900, जो कि 37,000 है अगर आप और 100 रुपीज़ डाल दो। तो उसका एक सेकंड वर्जन भी है जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, वो एक डिजिटल वर्जन है PS5 का, जिसमें आप डिस्क एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको सब गेम्स डिजिटली डाउनलोड करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी लगेगा, क्योंकि सारे गेम ऑलमोस्ट 60 GB के ऊपर ही होने वाले हैं। आप पकड़ लो 100 या 120 GB एवरेज एक गेम होने वाला है, क्योंकि PS4 प्रो के ही इतने बड़े बड़े गेम है। रेड डेड रिडेम्पशन हुआ, लास्ट ऑफ अस हुआ 99 GB, 105 GB, कॉल ऑफ ड्यूटी 150 GB स्पेस मांगता है।
तो ये सब है, इसलिए डिजिटल कॉपी आप अगर सस्ती है, $300 से सस्ती है, 399.99 जो कि इंडियन रुपीज में है 29,500 रुपये, जो कि ऑलमोस्ट 30,000 है, पर ये जो डिफरेंस है 7,400 रुपये, तो आप नॉर्मल एडिशन ही लेना लेना हो तो, क्योंकि 7,400 में अगर आप डिस्क एक्सेस नहीं कर पा रहे हो और आपका आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। इसलिए मैं तो अगर मैं खुद लूँगा तो मैं डिस्क वाला वर्जन ही लूँगा। तो ये तो हो गई प्राइस की बात। अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये इंडिया में कब आने वाला है यार? इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का और सब गेमर लोग इस 8K कॉन्सोल की राह देख रहे थे। सो चलते हैं रिलीज डेट की ओर। तो ये रहा रिलीज डेट, जो कि US, जापान, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया में PlayStation 5 आएगा 12th of November को। यार इंडिया को वेट करना पड़ेगा 5-7 दिन के लिए, क्योंकि इंडिया में 7 दिन बाद, जो कि 19th November को PS5 ऑफिशियली आएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, जो कि यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, ऊपर लिस्ट में इंडिया है नहीं। तो हमारे यहाँ रिलीज होगा 19th November को, वो भी डीलर के पास अवेलेबिलिटी कितनी है वो डिसाइड करेगा कि आपके पास वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो फिलहाल ये बात हो गई, कौन से गेम्स आने वाले हैं, रिलीज डेट क्या है, क्या क्या पर्क्स है, प्लेस्टेशन प्लस कलेक्शन क्या है, ये सब चीज़ें तो मैंने इसमें कवर कर दी है, छोटा वीडियो था। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए एक्सबॉक्स, जो कि पिछले हफ्ते एक्सबॉक्स वालों ने प्राइस डाली है, तो मैं अगला वीडियो आपके लिए वो बना सकता हूँ। आप कमेंट करके लिख दीजिए आपको इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृषाल जोन गेमिंग, कीप वॉचिंग। You must prepare yourself.